Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके. आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और ईजी बीफ स्टू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये कोई टाइम टेकिंग रेसिपी भी नहीं है कि जिसके लिए आपको बार बार इसको चेक करना पड़े या चूल्हे के पास खड़ा रहना पड़े. सो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. तो बीफ स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स के करीब ये अनियन ली है, जिसको मैंने रफली स्लाइस कर लिया है. अनियन के साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़े खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें हैं, 8 से 10 लहसुन के जवे हैं, अदरक का टुकड़ा है. और गरम मसाले में मैंने यहाँ पे 6 लौंगें, 12 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का पीस और 2 बड़ी इलायची ली है, और इसमें आधा टीस्पून ज़ीरा भी है. सो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में 3/4 कप के करीब ऑयल डाला है. जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम के करीब बोनलेस बीफ. आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं और विद बोन बीफ भी बना सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है. इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो सारे खड़े मसाले लिए हैं मैं उनको ऐड कर दूँगी. इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो मैंने रफली स्लाइस अनियन किए थे 500 ग्राम्स. अनियन ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ. 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर पाउडर. सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं. अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. अब हम यहाँ पे गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड कर देंगे. मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 कप पानी ऐड किया है, और डिपेंड करता है कि जब तक गोश्त नहीं गलता हमें उतना पानी इसमें ऐड करना है, और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से इसमें बॉयल आ रहा है, ये पकना स्टार्ट हो चुका है. और अब यहाँ पे वाटर जो है इसका एक्स्ट्रा वो रिड्यूस हो चुका है, और गोश्त भी जो है वो गल चुका है. जब गोश्त गल जाएगा अच्छे तरीके से या उसमें बिल्कुल थोड़ी सी कसर बाकी होगी, उस पॉइंट पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दही 1 कप. दही डालने के बाद हम इसको भूनेंगे जब तक दही का पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए और जो इसमें ऑयल है वो सेपरेट होने लगे, तब तक हमें इसको भूनना है. यहाँ पे दही अपना पानी जो है वो रिलीज़ कर चुकी है, और अब मैं इसको भून रही हूँ अच्छे तरीके से. और अब ये यहाँ पे कम्प्लीटली इसका जो एक्सेस वाटर है वो ड्राई हो चुका है और ये भुन चुका है. अब मैं इस पॉइंट पे 2 बड़ी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको दम दे देंगे. मज़ेदार स्टू जो है वो तैयार है. इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, और इसको मिंट लीफ और अदरक के साथ ज़रूर गार्निश कीजिएगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है. इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. अल्लाह हाफ़िज़.